धान की कटाई का सीजन अपनी चरम सीमा पर है। बासमती धान की कटाई लगातार जारी है। आप देख रहे हैं जिस खेत में हम लगे हुए हैं, पूसा बासमती 1847 का खेत है। सभी किसान भाइयों को, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायकियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। हमारे देश में बासमती धान का रकबा बहुत बड़ा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ये विशेष राज्य हैं जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बासमती धान की खेती की जाती है। भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। जब से पूसा बासमती 1121 हमारे देश में आई है, रिलीज हुई है, सन 2005-06 में ये वैरायटी रिलीज हुई, उसके बाद भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। उसके बाद सन 2011-12 में एक वैरायटी रिलीज हुई, पूसा बासमती 1509। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जो वीडियो है वो काफ़ी लाभान्वित है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसमें बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पूसा बासमती 1509 की बात करते हैं, तो हमारे पास सन 2011-12 में पूसा बासमती 1509 को रिलीज़ किया जाता है। इस वैरायटी ने बड़े स्तर के ऊपर अपना कब्जा बनाया और बनाया रखा, किसानों के दिलों पर राज किया, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ बीमारियों का प्रकोप पड़ने लगा। पूसा संस्थान नई दिल्ली की वैरायटी पूसा बासमती 1509 में वहाँ के वैज्ञानिकों में इसमें शोध कार्य किए, इसमें दो तरह के जीन डाले पूसा बासमती 1509 में, और उसको एक नया प्रारूप दिया जिसको हम पूसा बासमती 1847 बोलते हैं। वो दो जीन कौन कौन से थे जिन्होंने इस वैरायटी को किसान भाइयों के लिए कारगर सिद्ध किया है? ये जो खेत की कटाई चल रही है किसान भाइयों, ये 1 अगस्त 2022 को ट्रांसप्लांटिंग किया गया था। शायद मेरे गांव में तो सबसे लास्ट खेत यही था, जहां अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सबसे लास्ट खेत जो ट्रांसप्लांट हुआ वो 1 अगस्त 2022 का ट्रांसप्लांटिंग है। इसमें धान की रुपाई, इसमें पैडी की नर्सरी तैयार की गई थी, और जैसे ही नर्सरी ख़त्म हुई उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांटिंग किया। बीज उत्पादन में लगा हुआ है। 8 एकड़ हमारे पास लगे हुए थे, 7 एकड़ कट चुके हैं। ये 8वां एकड़ है, सबसे लास्ट और अंतिम है जिसकी हम कटाई कर रहे हैं। पूसा बासमती 1509 में दो तरह के जीन डाले गए, एक झुलस रोग के प्रति, जो झुलसा रोग आता है, दूसरा झोंका रोग आता है। पहला जो रोग है वो बैक्टीरियल लीव ब्लास्ट है, जिस धान में रेडियां सी ऊपर से झुलस रोग हो जाता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, उसके प्रति सहनशीलता इसमें इस वैरायटी में दर्ज की गई जीन के माध्यम से। दूसरा, इसमें जो झोंका रोग आता है, ब्लाइट आती है, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट आती है, या शीत ब्लाइट जैसी भयानक बीमारियां आती हैं, और नेक ब्लास्ट जैसी भयानक बीमारियां आती हैं, उसके प्रति इस वैरायटी में पूसा बासमती 1847 में जीन डालकर प्रतिरोधकता क्षमता को मजबूत किया गया, बढ़ाया गया, ताँ जो ये वैरायटी सभी तरह की बीमारियों में टकराव करने के प्रति इसमें शक्ति पैदा हो। पूसा बासमती 1847 का आप खेत देख रहे हैं, पौधा ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल हरा है। मैं वीडियो अकेला शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको बाद में दिखाने का भी प्रयास करूँगा। पौधा जो सा है ऊपर से लेके नीचे तक हरा है। इसकी जो बालियाँ हैं उसका रंग सुनहरी रंग का है। इसकी जो उत्पादन देने की क्षमता है वो 22 क्विंटल से 27 क्विंटल आकी गई है। किसान भाइयों का बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि उत्पादन कितना आया है। जो हमने हाथ के साथ हार्वेस्ट की है उसका जो उत्पादन आया है वो लगभग हाथ के साथ 22 क्विंटल का उत्पादन हमने लिया है। और जिन किसान भाइयों ने कंबाइन के साथ हार्वेस्ट की है, हालांकि हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टिंग का कोई भी खेत नहीं है, लेकिन जो हमने किसान भाइयों से रिपोर्ट ली है उनका उत्पादन 25 प्लस है, 26 क्विंटल भी कई किसानों ने लिया है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर में नमी की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है, और जब हाथ की कटाई का जो उसमें नमी का स्तर लगभग शून्य हो जाता है, नीचे रहता है, इसलिए उसका लेकिन 22 क्विंटल भी एक बहुत अच्छा उत्पादन है अगर आपने हाथ के साथ कटवाई है। 1509 का जो हमारा उत्पादन रहा है वो हमारा 20 प्लस रहा है।
1509 के 4 एकड़ हमारे पास हार्वेस्ट किए गए हैं, जिनका बीज का जो फाउंडेशन बीज भी है और TLC सर्टिफाइड बीज भी है, जो किसान भाइयों में वितरण के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। 1692 की कटाई चल रही है और पूसा बासमती 1847 की भी कटाई चल रही है। एक दो दिन में सभी जो किले लगे हुए हैं 1847 के, उनको भी हार्वेस्ट करके बीज की उपलब्धता बनी रहेगी। पूसा बासमती 1847 की बात करते हैं, विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल लीव ब्लाइट, बैक्टीरियल लीव ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। 2 हल्के स्प्रे दिए गए हैं, जिससे ये वैरायटी पक्के तैयार हो चुकी है। 1 अगस्त 2022 को लगाई थी, आज 3 नवंबर है। आप देख सकते हैं 3 नवंबर यानी 90-92 दिन में पक्के तैयार है। मात्र 90 से 92 दिन में, 95 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। किसान भाई जो बिछाई, किसान भाई साठी धान लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान सिद्ध हुई है। जो किसान भाई सब्जी की फसल लेना चाहता है, धनिया लेना चाहते हैं, पालक लेना चाहते हैं, मूली और गोभी की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी वैरायटी है। तीसरा, इसका जो मुख्य विशेषता ये है, इसका तना इतना मजबूत है कि इतनी भयंकर बारिश करनाल में हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, बिल्कुल भी एक भी पौधा हमारा नहीं गिरा। 8 के 8 एकड़ में से ये हमारा खीरला एकड़ है, एक भी पौधा इसमें लॉजिंग नहीं है। 0% लॉजिंग इस वैरायटी में है, पूसा बासमती 1847 में। कोई बीमारी नहीं है, लॉजिंग 0% है। अगर चावल की गुणवत्ता की बात करते हैं तो इसका जो दाना है हुबरू 1121 के साथ मेल खाता है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम, 1121 जैसा लगता है, उससे किसान भाइयों को उत्पादन अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और फिलहाल अभी ये बीज थोड़ा थोड़ा वितरण हुआ था, तो किसान भाइयों ने जो मंडी लेके गए हैं उनको अच्छा रेट प्राप्त हुआ है पूसा बासमती 1847 का। उम्मीद करते हैं ये वैरायटी पूसा बासमती 1509 की जगह लेगी और अपना दबदबा कायम करेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में इस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल निर्यात में भी इस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।